अतर को ले लो राम जी, आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू प्लीज ज्वाइन द स्टार कास्ट एंड शेयर सम ब्लेसिंग्स एंड यू नो योर लक. वन मैन मूवी स्पेशल वाकिपा ने. सो अभी उड़ती उड़ती खबर आई है कि रीवा जी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एक्ट्रेस ऑफ राम जी गुलाटी. राम जी गुलाटी रीवा अरोड़ा एंड द नेक्स्ट हीरोइन. Thank you so much. I'm so grateful that it's already trending and people are loving our song so much because our song took so much time to shoot. In fact, हमने हिमाचल में डलहौजी में शूट किया था, but then वहाँ पे weather was really unpredictable, so हमें वापस आके मुंबई में भी chunk shoots करने पड़े. So it was hard for us, but hard, you know, hard work is everything. That's why, you know, we are facing so much love and getting so much support, and I'm really grateful for that. And we are really, really happy that it's already trending and we're getting so much love all over the world, all over India, and everybody is, you know, just loving this chemistry, loving this bond already. इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, मतलब एक कोई भी गाना शूट करना एडवेंचर जैसा होता है हमारे लिए. प्लस ऐसे स्टार्स सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है. और ये मेरा फर्स्ट गाना था, बट अब बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं आगे और प्रोजेक्ट्स करने के लिए. फाइनली यस, अब तो और प्रोजेक्ट्स आएंगे. एज ए को स्टार मुझे मेरी बहुत हेल्प थी, बहुत ज़्यादा. मतलब अगर इनके साथ नहीं काम किया होता तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाता. सो थैंक यू सो मच. और एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था. यस, लाइक आई थिंक मोर देन को स्टार्स, हम लोग को स्टार्स बनने से पहले हम लोग दोस्त बन गए थे, विच इज़ एक्चुअली रियली इंपॉर्टेंट टू बी कम्फर्टेबल विद द पर्सन यू आर शूटिंग, बिकॉज you have to shoot a full song for 3-4 days, you have to be with them, you have to spend your time with them. So I think it's more than just being, you know, the co-star, it's more than being comfortable and being friends with them, and once you get to really know them. And I think we just became friends instantly, we clicked instantly, so everything was just really happy and really supportive, and it felt like family shooting with them. Like Shivangi auntie, when I met her for the first time, I didn't even feel like, you know, I'm meeting somebody else for the first time, like kisi ko main janti nahi hu yahan pe. I think हम लोग instantly click कर गए and it always just felt like कि हम इतने सालों से जानते हैं एक दूसरे को, ऐसा लगा, बट मिले हम पहली बार थे. रीवा, ये जो आदि उत्तर जो सीन है, as an actor, as an actress, ये हमेशा एक dream रहता है कि यहाँ पे शूट होना चाहिए. जब हम बात करें शाहरुख जी की, यहाँ पे रणबीर कपूर जैसे सो मेनी एक्टर्स चलते हैं, ये जो शूट है उसके दौरान कोई ऐसी मेमोरीज अगर शूट शेयर करना चाहो. आई थिंक शूटिंग जो बर्फ वाला सीन था, स्नो वाला, दैट वॉज रियली नाइस. बट हम लोग वहाँ पे एक्चुअली बहुत दूर से शूट कर रहे थे एंड वहीं से देवर टेकिंग एवरीथिंग. तो हम लोग बीच में, हमारे आसपास कोई भी नहीं है, जस्ट हम दोनों एंड हमारे पास जैकेट और कुछ भी नहीं है.
एंड हम बस वहाँ पे खड़े हैं कि टेक होगा एंड देन टेक खत्म होगा. एंड मैं ड्रेस भी थी एंड यूज इन अ जैकेट बट इट वॉज कोल्ड देयर. एंड हमें बस में लेटना भी था, भागना भी था. एंड भागते भागते हम लोग 3-4 बार गिरे होंगे कम से कम, बिकॉज आई थिंक स्नो पे भागना इज़ नॉट ईजी. एंड हमारा पूरा भागने का एक दूसरे के पीछे शॉर्ट था. सो पहले हाथ छोड़ के भागने का शॉर्ट था, बट देन वी डिसाइडेड कि नहीं, हाथ छोड़ेंगे तो एक यहाँ पे टपका हुआ है, यहाँ पे एक गिरा हुआ है. सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन. सो दैट्स व्हाई वी थॉट कि हाथ पकड़ के वील रन, सो दैट इज बेटर. एंड आई थिंक यह सबका ड्रीम होता है कि ऐसे यू नो वादियों में शूट करना. इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल, इट केम आउट रियली रियली अमेजिंग. एंड पूरा इट्स गिविंग दैट फुल स्नो वादियों वाला वाइब विच इट हैज़ टू गिव. या इट्स अमेजिंग. थोड़ा सा हमेशा शूट में यू हैव टू एवरीथिंग. Now you also say कि कैसा लगा. But tell us something about this particular scene which you can see in the poster. इस scene में मेहनत तो बहुत थी. हम बर्फ के बीच में भाग रहे थे जैसे रीबा ने बताया. बेस्ट पार्ट तो था जब ये शॉट हो गया था, उसके बाद हम अपनी जैकेट्स रख के वहाँ स्लाइड कर रहे थे स्नो में. और ऊपर वापस जाने का रास्ता भी नहीं था बिकॉज स्नो पे काफ़ी स्टीप हिल थी. सो हमें नीचे कार मंगवा के उस पर जंप करके ऐसे रोड पे जाना पड़ा था. सो एडवेंचरस एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था. रीवा, आपने अक्टर की स्माइल के ऊपर कितनी बार कॉम्प्लीमेंट किया? जब मैं पहली बार मिली थी तभी मैंने कॉम्प्लीमेंट किया था. एंड आई थिंक मैंने बहुत बार किया है कॉम्प्लीमेंट स्माइल पे, बट एक बार दोस्त बन जाते हो तो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट थोड़ी करने होते हैं, ये थोड़े होता है. आप कुछ बताना चाहोगे किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आप रीवा को देते हो? शी हैज गॉट अ ह्यूज फैन बेस ऑन सोशल मीडिया. आप कुछ अगर बताना चाहोगे कि कॉम्प्लीमेंट किस तरह से होती है आपकी? आई जस्ट ऑलवेज टेल हर दैट शी इज़ अमेजिंग. और इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ. बाकी अब ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो ज़्यादा उड़ने लग जाएंगे. ओ माय गॉड. इसलिए मैं भी आर्थर को ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं करती. इसलिए हम दोनों ना एक दूसरे को तंग करते रहते ताकि यू नो वी आर ऑलवेज देयर.